अपना नाम बताइए। मेरा नाम ज़ोहरा खान है। क्या आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है यहाँ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम से, आप देख सकते हैं, और मुझे उसके साथ सर्टिफिकेट और दो ट्रॉफी मिली हुई है। क्यों सम्मानित किया गया? मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में फर्स्ट प्राइज हासिल किया है 90% के साथ। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, रिलेटिव, सबको, कजिन्स को, सबको मैं देना चाहती हूँ। आज यहाँ सम्मान किया गया तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। स्टेज पे जाते हुए मैं आंसू आ रहे थे थोड़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पापा को भी बहुत देना चाहते हैं। क्या बनेंगे आप आगे चल के? मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। समाज के बच्चियों के लिए कुछ पैगाम? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग आगे बढ़े, इंशाल्लाह सबको ही आगे मिलेगा ऑफिसर, बस सब आगे बढ़े प्लीज। बहुत कम लोग रहते हैं जो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। हम लोग के स्कूल में ही, मैं स्कूल कैबिनेट में हेड गर्ल हूँ, सेंट मैरी बॉयज स्कूल हरदा में। हमारे कैबिनेट में 24 कैबिनेट्स रहते हैं, उसमें मैं इकलौती मुस्लिम हूँ जो हेड गर्ल की पोस्ट पे गई हूँ। क्या कभी कुछ पढ़ाई के विषय में कुछ समस्या आपको आई? वैसे तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पापा, सब लोग, दादा दादी सब लोग साथ में रहे तो बिल्कुल नहीं आता। शिक्षकों का भी लगातार आपको सपोर्ट? जी, बिल्कुल। टीचर्स भी बहुत अच्छे, आगे टीचर्स ने बहुत हेल्प करा हम लोग को आगे बढ़ने में। पहले से बिटिया है ज़ोहरा खान, फादर नेम इज तनवीर खान, 90-90%। पीछे जो ऑडियंस है बिल्कुल हाथ बांध के बैठे हैं, थोड़ा जोरदार तालियां बजाए भाई, 90% है ज़ोहरा खान, जो कि आज के यू कहें कि भाई टॉपर है ज़ोहरा खान। ज़ोहरा के लिए सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो लड़कियां यहां पर बैठी हैं कुछ जरूर सीख लेकर जाएं, और एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि टॉपर्स की कैटेगरी जरूर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि टॉप करने का मकसद आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मुजफ्फर भाई जानते हैं बखूबी के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10th और 8th क्लास में जिनको सप्लीमेंट्री आई थी, और आज वो SB एज अ क्लर्क, एज अ मैनेजर बन के बैठे हुए हैं। आप सभी को मैं बता दूं तो परसेंट अगर हासिल हुआ है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो पढ़ाई को और आगे लेवल तक आप जरूर लेकर जाएं, तो आपका मुस्तकबिल चमक पाए।